और आज पूरा हिंदुस्तान आईएनएस विक्रांत पर गर्व महसूस कर रहा है। आईएनएस विक्रांत को देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। आईएनएस विक्रांत ने समंदर में भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। आईएनएस विक्रांत के आने से समंदर में हिंदुस्तान कैसे करेगा राज, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आईएनएस विक्रांत दशकों से इंडियन नेवी की उस इच्छा को पूरा करेगा जो अब तक इंडिया के लिए एक सपने के तौर पर देखा जाता था। आईएनएस विक्रांत भारत के ब्लू वाटर नेवी की ताकत को न सिर्फ मजबूती देगा बल्कि ब्लू वाटर में अपना दबदबा दिखाने का मातुदा भी रखेगा। वैश्विक स्तर पर महासागर में ऑपरेशन करने वाले कुछ ही देश ब्लू वाटर नेवी में शामिल थे, लेकिन आईएनएस विक्रांत की क्षमता, खासियत और खूबियों ने इंडियन ब्लू वाटर नेवी को नई पहचान दी है। आईएनएस विक्रांत इंडियन ब्लू वाटर नेवी यानी कि दुनिया भर में पहुंच और गहरे समुद्र में ऑपरेशन करने की क्षमता वाली एक समुद्री शक्ति बनाने में बड़ी भूमिका भी निभाएगा। आईएनएस विक्रांत ने ब्लू वाटर नेवी की ताकत के रूप में भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन जैसे देशों के समूह में शामिल कर दिया है। ब्लू वाटर नेवी उस नेवी को कहा जाता है जो अपनी समुद्री सीमा के साथ साथ विश्व स्तर पर भी दुनिया भर के महासागरों में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता हो। आईएनएस विक्रांत उस क्षमता को न सिर्फ पूरा करता है बल्कि ये लंबी दूरी तय कर दूसरे महासागरों में दोस्त देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। यही नहीं, लंबे समय तक आईएनएस विक्रांत गहरे समंदर में ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है। अब इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत से ब्लू वाटर नेवी के रूप में न सिर्फ फारस की खाड़ी और अफ्रीका के हॉर्न में मलक्का जल डमरू मध्य तक ऑपरेट कर सकता है, साथ ही ये दक्षिण और पूर्व चीन के समुद्रों के साथ साथ पश्चिमी भूमध्य सागर तक सीना तान कर सफर तय कर सकता है। आईएनएस विक्रांत के मैदान में उतरने के बाद से भारत के दुश्मन दहशत में हैं। सबसे ज्यादा खौफ में ड्रैगन है। भारत को आंख दिखाने के लिए चीन अब वीडियो गेम का सहारा ले रहा है, लेकिन चीन अपने ही प्रोपेगेंडा में खुद फंस गया है। रिपोर्ट आप देखें। समंदर में लहरों को चीरते आईएनएस विक्रांत की ये तस्वीर जब से चीन ने देखी है, तब से जिनपिंग ही नहीं पूरी चीनी सेना की रातों की नींद उड़ चुकी है। चीन बेस इसी अधेड़ बुन में लगा है कि आखिर विक्रांत का काट क्या निकाला जाए। आईएनएस विक्रांत इस वक्त समंदर के बाहुबली के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया इस महायोद्धा युद्धपोत का दिल खोल कर स्वागत कर रही है, लेकिन इस महाबली से कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो वो है चीन। चीन को दिन रात सुबह शाम बस यही बात खटक रही है कि आखिर भारत के इस हाईटेक युद्धपोत विक्रांत का क्या काट निकाला जाए। भारत के इस ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से चीन को इतनी मिर्ची लगी है कि वो अब सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ प्रोपोगेंडा इस्तेमाल कर रहा है, जिससे चीन की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। भारत में जो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट बना है उसका वजन 45,000 टन है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट विक्रांत से चीन परेशान है और वो बुरी तरह से झटपटा रहा है। भारत के खिलाफ चीन का ये प्रोपेगेंडा तो फेल हो गया। ये पहली बार नहीं है जब चीन खुद अपने ही प्रोपेगेंडा वीडियो में ऐसा फंस चुका है कि उसके दांव पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कई बार हो चुका है कि जब चीन पुराने युद्ध अभ्यास के वीडियो को नया कर सोशल मीडिया पर जारी करता है, इसमें वो वीडियो में शामिल है जिसमें अपने फाइटर जेट को सूरमा बताता है जो युद्ध के मैदान में फुस साबित होते हैं। चीन की फिसड्डी हथियारों की वानगी उस वक्त भी देखने को मिली थी जब चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही चूना लगा दिया था। चीन से खरीदे गए युद्ध टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हुई। पाकिस्तान में चीन के सभी हथियार टेस्टिंग में विफल साबित हुए, जिसके चलते पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। चीन के इन हथियारों की स्थिति इतनी बुरी थी कि उनसे फायर तक नहीं